ये खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां नगर निगम धमतरी में बजट बैठक के लिए 28 मार्च के दिन को तय किया गया है, जिससे गुस्साए बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी पार्षदों ने निर्वाचन आयोग के नाम से निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आचार संहिता लगने के दौरान नगर निगम में बजट बैठक के लिए विशेष अनुमति प्रदान करें, जिससे शहर का विकास निरंतर जारी रहे। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। आज हम लोग भगवान श्री राम जी शरण में आए हैं। लगातार 4 सालों से यहाँ सिर्फ 4 बैठक हुए। पिछले साल सामान्य सभा के बैठक महापौर जी सभा छोड़ चले गए थे, और उसके बाद आज तक लगातार 1 साल और गुजर गया, सामान्य सभा बैठक नहीं हुआ, और यहाँ करोड़ों रुपए का विकास कार्य शासन ने वापस मंगा लिए, क्योंकि आज तक वो स्वीकृति नहीं करा सके सामान्य सभा में। और आज महापौर 1 साल पश्चात उसको पता था कि सामान्य सभा कराना अनिवार्य है, पिछले साल में बैठक नहीं हुआ है, और चूंकि बजट बैठक कराना एक अति आवश्यक कार्य है, सदन का एक दर्पण है, आज उससे महापौर जी भागना चाहते हैं, और आज उन्होंने 28 तारीख को बजट बैठक आहूत किया है, जबकि उसको पता है कि उस समय सामान्य सभा लग जाएगा और बजट बैठक आहूत नहीं हो सकता। उसको जनता के सामने वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए 28 तारीख का तारीख घोषित करते हैं, जबकि ये आचार संहिता लागू हो जाएगी 13 तारीख को, उसके बाद बजट बैठक होना संभव नहीं है। इसलिए महापौर जी को सद्बुद्धि है, लगातार 4 साल से नगर का विकास को रोक के रखा है। अभी तो बहुत हमने उग्र तरीके से भी समझाया, अब प्यार से भी समझा रहे हैं भजन कीर्तन के माध्यम से, क्योंकि लगातार हम बजट बैठक को लेकर लगातार भिड़े हुए हैं कि जनता के हित के लिए कार्य हो सके, क्योंकि जाति का भी एक समस्या था, जातिवाद का, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का भी एक समस्या था, जिसको उस बजट में नहीं हो पाया था महापौर के भगवाड़ा महापौर के भाग जाने के कारण, तो हम उसको भी लाना चाहते थे। इस वजह से हम चाहते थे कि बजट बैठक हो, सामान्य सभा की बैठक हो, ताकि जनता के हित के लिए कार्य कर सके। लेकिन किसी नियमों को निर्देशित किया है, नियम अनुसार अगर नियम में है कि बिना महापौर की उपस्थिति के सामान्य सभा की जा सकती है, तो उसको नियम अनुसार कराएंगे।